इस समय मेरे साथ है विशाल आदित्य सिंह, जिनको जिससे भी बात करो कह रहे हैं कि के तो ये लेजेंड बनने वाले हैं। मतलब आप करके क्या आए ये बताइए। पता नहीं लोगों ने क्यों बोला ये बात, लेजेंड बनने वाला हूँ मैं। शायद उन लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाई। और क्या बोलूंगा मैं क्योंकि सो स्वीट ऑफ देम, उन लोग मतलब इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, वरना कौन बोलता है किसी अपने मतलब कंटेस्टेंट्स के बारे में कि भाई वो लेजेंड बनेगा या वो अच्छा करके आया है। सो दैट्स इट, उस पे तो इतना ही बोलूंगा मैं। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है विशाल, अपनी तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, मैं अपनी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना इसमें तारीफ वाली बात नहीं है। सी, अच्छा तो किया है मैंने, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा किया है अच्छा नहीं किया है। लेकिन हाँ, अब दूसरे लोग ऐसे बोल रहे हैं, खुद से बोलोगे तो मुंह में मिट्टू ही बनोगे ना यार, बोलने दो ना दूसरे को जब दूसरे कर रहे हैं तारीफ तो क्यों खुद से क्यों करें हम। विशाल, एक साथ बैक टू बैक तीन रियलिटी शो, तीनों का जॉनर अलग। मतलब पहले डांस करते करते बिग बॉस पहुंच गए, वहां पे लड़ते झगड़ते पहुंच गए स्टंट करने के लिए। मतलब प्रमोशन हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लड़का अच्छा काम कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैक टू बैक तीसरा रियलिटी शो, लेकिन ये रियलिटी बहुत अलग तरीके से एंजॉय किया है। मैंने इसको एंजॉय किया है, शायद मैंने उतना एंजॉय नहीं किया अपने उन दोनों रियलिटी शो को जितना मैंने खतरों के खिलाड़ी को एंजॉय किया है। बहुत ही अलग माइंडसेट सेटअप था, बहुत ही फ्रेश था मैं, बहुत ही चिल्ड आउट था अभी, मतलब अपने जोन में था मैं। आपका प्रोमो देख के समझ में आ रहा था, मतलब रस्सी पे लटके हैं तो जय बजरंगबली, जमीन पे खड़े हैं तो भी पता नहीं ये रोहित शेट्टी के पैर छूके जाते थे स्टंट करने। नहीं ऐसा नहीं, बस मतलब कुछ ना कुछ होता क्या है ना कि एक ये ऐसा शो है कि जैसे आप गांव में या कहीं पे भी शहर में ही आप अपने दोस्त यार के साथ एक रेस लगाते हो और आप जीत जाते हो तो कैसे आप चेयर करते हो, ये देन एंड देयर रिजल्ट है इसका आपके लाइफ में। सो वो चेयरिंग है मेरे लिए, मतलब एक तो इतना डेयर डेविल स्टंट्स होते हैं, इतने टफ स्टंट होते हैं, वो देख के ही लोगों की डर लग जाती है, और जब आप अपने डर पे काबू पाते हो तो आप सेलिब्रेट करते ही करते हो। यस, सो वही है। प्रोमो में एक स्टंट देखा, अगर बहुत कुछ सेकंड के लिए आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आप हाइट पर हैं और हाइट पे कूद के रस्सी पकड़ रहे हो। हाँ, वो था देखा आपने, तो मैंने वही बोला ना कि अब वो सारी चीजें नॉर्मल लाइफ में आप करते हो। हाइट पर थे तब 30 माले की बिल्डिंग थी शायद। ओह गॉड, या तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ऐसी चीजें आप लोग नॉर्मल लाइफ में कभी करते हो नहीं, या कभी करने को मिलेंगे भी नहीं, किसी एडवेंचर पार्क में भी नहीं मिलेगा आपको। सो ये सारी चीजें ना आपके साथ लाइफ टाइम रह जाने वाली है कि पता नहीं फिर कब हो ये। सो वो ना जो रश है ना, एड्रेनलिन रश है ना, वो अंदर इतना ऐसे दौड़ रहा होता था पूरे सीजन में, पूरे स्टंट के दौरान, कि उसका एक अलग ही मजा है, उसका एक अलग ही नशा है सही में। तो उसी नशे उसी मजे में हम लोग स्टंट करके कराए सब कुछ। वेरी नाइस। तो कभी ऐसा होता था कि यार क्यों आ गया मैं? कभी नहीं, एक बार भी नहीं, नहीं एक बार भी नहीं, क्यों खत्म हो गया ये, मैं तो ये बोल रहा था। हाँ, मैंने जो आपके देखा, आपके वहां भी मुझे कई रंग दिखे, कभी भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसी तस्वीरें डाल रहे, वो तो पता नहीं किसको जलाने के लिए डाली थी आपने तस्वीरें। ये आप मुझे समझ में, मीडिया पर से इतना टेढ़ा ही क्यों सोचते हैं, मैं जलाने के लिए क्यों डालूंगा? अगर मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ तो इसमें जलाना किसको है, पहले बताइए। वो तो आप बताएंगे, यही क्यों, क्योंकि आप सोच रही है ना, ये सवाल कैसे हो सकता है? अगर आप अपने किसी दोस्तों के साथ फोटो डालती है तो क्या अपने पति को जलाने के लिए डालती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर सिंपल सी बात है ना यार, हम क्यों डालेंगे किसी को जलाने के लिए? ओके, मुझे लगा शायद मम्मा लड़की ढूंढ रही होंगी आपके लिए। अरे यार, ये पता नहीं आप लोग को क्यों चाहिए मसाला ये सब। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या है कि मैं सिंगल हूँ और अभी, और मैं जब अच्छे दिल दिमाग में होता हूँ तो मैं अपनी चीजें करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं इतना सोचता समझता नहीं हूँ। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंफर्टेबल है हम लोग एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को जवाब दे रहा है। मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि उनका भी कोई लुकआउट नहीं था, हाँ यार हम दोस्त हैं, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है ना, कोई सफाई दे रहा है अगल बगल में ज्यादा बहुत, तो क्या फर्क पड़ता है फिर, वैसा सा है ये। और दुनिया वालों के लिए यार देखो, मजे लो, जलो और क्या, सालो। विशाल अक्सर जो है सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते नहीं है, लेकिन जितना केप टाउन में जाके थे एक बार मैं समझ गई थी, अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा डालना पड़ रहा था क्योंकि सब लोग अगल बगल के डाले जा रहे थे, मुझे इतने मैसेज हो रहे थे, मुझे लोग बोल रहे थे, टीम बोल रही थी पीआर की, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। अचानक विशाल इतने एक्टिव कैसे हो गए? एग्जैक्टली, तो वो करना पड़ा। और एक्टिव की बात नहीं है, जैसे अभी जैसे आपने बोल दिया ना, मुझे ना मेरी पीस खत्म कोई ना करे इसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं करना होता लाइफ में।
जैसे कि मान लो अभी ये मैंने फोटो डाले, आप ही नहीं मुझे पूरी दुनिया के मैसेज आने लगे क्या चल रहा है तुम लोगों का। ओके बहुत लोगों के मैसेज आए, इनफैक्ट मैं मतलब न्यूज पोर्टल देख रहा था तो उसपे ये आ रहा है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, फोटो पे लिखा है सो जीता नहीं लेकिन मुझे मेरा प्यार मिल गया। भाई साहब मैं ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मिलो मुझे यूट्यूब से सबका खाचा मतलब स्क्रीनशॉट लूंगा फिर मैं आऊंगा ऑफिस में। तो समझते हो आप अलग ही लेवल पे चल रहा होता है, पढ़ के सुन के मजा भी आता है मुझे, थोड़ा खुराफाती भी हूँ। मैंने तो दूसरी फोटो जानबूझ के डाली थी इसी वजह से, लो मजे लो लाइफ में तुम सब। मैं कसम से बोल रहा हूँ सेकंड फोटो तो मतलब मैंने जानबूझ के डाली सना वाला, मैं बोला थोड़ा कंफ्यूज करते हैं इनको कि चल क्या रहा है। और अभी वो खत्म नहीं हुआ, आपने डांस भी डाल दिया श्वेता के। हाँ फिर क्या। तो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक। तो मतलब मैं बहुत सी मतलब मेरा ना बहुत कम, मैं कम बहुत कंफर्ट रहता हूँ अपने दोस्त यारों के साथ, स्पेशली फीमेल जो भी मेरे लाइफ में है वुमेन, उनके साथ बहुत कंफर्ट रहता हूँ, तो मुझे ना ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। विशाल आपके अलावा सबने आपकी तारीफ की है, आपको बोला जाए कि आपको सच में किसका लगा जिसको देख के आप सरप्राइज हुए जिसके स्टंट्स देखकर? सरप्राइज का मेरे लिए तीन लोग बहुत टफ थे, वरुण तो होगा ही होगा, वरुण ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने भी, और सरप्राइज पैकेज मेरे लिए थे अर्जुन बिजरानी, दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका भी हर कोई बोल रहा है, दिव्यांका त्रिपाठी और वो, क्योंकि वो मैं भी उनको 10 सालों से देखा हूँ, मैं मिला हूँ उनसे 3-4 बार, लेकिन मुझे भी लगता था कि ये मतलब दिव्यांका त्रिपाठी त्रिपाठी जी ऐसे कर पाएंगे, इतना अच्छा करेंगे, और प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा, मतलब सोच के भी कि अगर आप किसी को देख के आप किसी को जज ना करो, मैं ऐसा कहता हूँ, मतलब कहना चाहिए। और जो तीसरी है सबसे प्यारी मेरी मामा, इस शो में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ऐसा कोई भी 4-5 कंटेस्टेंट आप नहीं बोलो कि अरे यार ये तो ऐसे ही था, हर कंटेस्टेंट अपना दूसरा पहला स्टंट मैजिक तरीके से कर रहा है। सो उसमें जैसे सना है, सना मेरे लिए सब एक ही अंडरडॉग है पूरे सीजन में मेरे लिए, मुझे लगता था किसी को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन सना इतना अच्छा करके आई है, तो जब आप शो देखोगे तो पता चलेगा। आप इससे पहले के एपिसोड देखकर गए थे के? मैंने एक सीजन देखा था स्पेन का, स्पेन वाला। हाँ जी, तो फिर मतलब जब आपको ऑफर हुआ उसके बाद देखा? हाँ जब ऑफर हुआ तब उसके बाद देखा, क्योंकि 11वां सीजन है, 10 साल से तो हम बॉम्बे में रह रहे हैं, टीवी देखने की आदत कहाँ रहेगी, वेरी ट्रू, तो वो छूट जाता है। अब हमें सिर्फ पता चलता है जीता कौन, अच्छा तन्ना, अच्छा मिया, अच्छा ऐसे। सो उसके अलावा तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो साइन करने के बाद देखा या साइन करने से पहले? नहीं, साइन करने के बाद, मैं बहुत लेट साइन हुआ था इस शो के लिए। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जब यहाँ पे, तब मैंने तब साइन किया था शो, तो उसके बाद ही देखा था मैंने। तो विशाल 3 back-to-back रियलिटी शो हो गए, मुझे लगता है कि ये सफर तब तक रहेगा जब तक रियलिटी शो की ट्रॉफी जो है शेल्फ पे नहीं आ जाती। नहीं पता नहीं, मैंने कभी भी आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी काम किया है ट्रस्ट मी मेरी नजर में वो सबने मुझे सब कुछ दिया है, मैं ट्रॉफी के पीछे आज तक नहीं गया। मैं बेगूसराय शो कर रहा था, मैं नेगेटिव लीड था उसका, उस शो ने मुझे क्या दिया, पहचान दे दी कहाँ खड़ा है, ट्रॉफी नहीं मिली मुझे कहीं पे भी। उसके बाद चंद्रकांता किया मैंने, अपने टाइम पे सबसे बड़ा मतलब उस टाइम स्लॉट पे वो था, लेकिन कहाँ मिली, नहीं मिली। फिर मैंने तेवर किया, वो ट्रॉफी लेके आया मेरे लिए स्टार परिवार अवार्ड में। फिर कन्नस पे लिए किया मैंने, सेकंड रनर अप था, लेकिन सबको पता था कि बहुत फाड़ के डांस करते हैं लोग, तो ट्रॉफी के चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना बेस्ट करो, छाप छोड़ के आओ, दिल जीतो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिग बॉस में थोड़ा हेवायर होगी सारी चीजें, तो वो नहीं मजा आया, क्योंकि मेरे को खुद को फिर मजा नहीं आया, तो मैं लोगों ऑडियंस को आया, ऑडियंस को आ रहा होगा, ऑडियंस को तो आएगा ही आएगा ना, ऑडियंस को तो मजा आएगा तभी वो देख रही है, लेकिन मैं अपनी बारे बता रहा हूँ। सो और फिर जैसे ये शो, इसमें मुझे बहुत मजा आया, ट्रॉफी आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, हमें भी मुझे लगता है कि विशाल की जितनी तारीफ सुनने को मिल रही है उससे यही लगता है कि देख के वाकई में मजा आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके फैंस को क्या कहना? मैं अपने फैंस को बोलूंगा, हियर आई एम बैक एंड बैक विद द बैंग, बहुत बड़े शो के साथ आ रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी, बहुत ही अमेजिंग शो है, सब लोगों ने देखा ही है, और मैं हमेशा फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे काम, अच्छे लोग मिल रहे हैं काम करने के लिए, एंड मैं आप लोगों से प्रे करूंगा कि आप लोग प्लीज, मतलब आप लोगों से बोलूंगा, इल्तजा करूंगा कि आप लोग प्लीज हमारा शो देखें और इसको हिट कराएं, क्योंकि सबने बहुत फाड़ा है इस बार, तो अगर आप शो देखोगे तो डबल मजा, डबल एक्शन, सब कुछ डबल हो जाएगा। थैंक यू, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।